अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा खाली पेट सौंफ खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खाली पेट आपने सौंफ इस्तेमाल कैसे करनी है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता कि खाली पेट सौंफ कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर बाकायदा मैंने आपके लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए हैं कैसे आपने सौंफ को इस्तेमाल करना है, वो आप वीडियो क्लिप्स को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आपने मेरी वीडियो को सारा देखना है। बहुत से लोग सारी वीडियो को नहीं देखते और फिर कमेंट करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, भाई ऐसे नहीं पता चला, ये हो गया वो हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो एक बार सारी देख लिया करें, आपकी सारी जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो सारा वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाता है। अगली बात ये रही कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, लाइक ज़रूर करें, एक सेकंड लगता है आपका, तो लाइक आप करते ही नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ खाली पेट सौंफ इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और आपने खाली पेट सौंफ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सौंफ को इस्तेमाल करने का जो पहला फ़ायदा है, ये हमारी नज़र की कमज़ोरी को ख़त्म करती है और सेकंड नंबर पर ये हमारी दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। जिन लोगों का हाफजा कमज़ोर है, नज़र की कमज़ोरी है, वो सौंफ का इस्तेमाल करें। कैसे करें ये वीडियो देखें पहले। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पीसी तो है लेकिन इतनी अच्छी तरह से पीस नहीं हुई। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लेना है सौंफ को। ये सामने देख सकते हैं इस तरह का आपने पाउडर सा बना लेना है। अपने दिमाग की ताकत को तेज़ करने के लिए, नज़र की कमज़ोरी को कम करने के लिए आपने एक चम्मच सौंफ की लेनी है रात को गर्म दूध के साथ। ये आपने रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ ही लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप एक चम्मच रोज़ाना अपनी रूटीन बना लेंगे गर्म दूध के साथ सौंफ की एक चम्मच लेने की, तो ना ही आपको कभी नज़र की कमज़ोरी होगी, ना ही आपको कभी ऐनक लगेगी और ना ही आपकी दिमाग की ताकत, आपका जो हाफजा है वो कम होगा। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने कैसे सौंफ को इस्तेमाल करना है, दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए, हाफजे को बढ़ाने के लिए और नज़र की कमज़ोरी को कम करने के लिए। सेकेंड फ़ायदा दोस्तों, ये आपके वज़न को कम करने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो लोग अपना पेट वज़न कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, वजन लॉस करना चाहते हैं, तो वो सौंफ को इस्तेमाल करें। सौंफ के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर हीट प्रोड्यूस करके आपकी चर्बी को पिघला देती हैं, जिससे आपका जो वजन है और पेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है सौंफ को वजन कम करने के लिए, वीडियो देखें। दोस्तों एक चम्मच सौंफ की आपने उस पानी के अंदर ऐसे ही डाल देनी है। आधी चम्मच इसके अंदर आपने और डालनी है, यानी डेढ़ चम्मच आपने इस पानी के अंदर डालनी है। अब हम दोस्तों 5 मिनट तक इसको ऐसे ही उबालेंगे। जब पानी को रंग चढ़ जाए सौंफ का तो आपने इसको उतार लेना है। तो हम 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा सौंफ का पानी। जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसको किस तरह बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से ही बनाना है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये आपके वज़न को कम करने में, पेट की चर्बी को कम करने में जितना ज़्यादा मुफीद है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अगर हम इसको सात दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वज़न को भी कम करेगा और आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा। ये सौंफ का पानी आपके वज़न को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपने इसको पीना सिर्फ सुबह है, खाली पेट ही आपने इसको पीना है, ना दोपहर को ना शाम को। सिर्फ इसका जो बेहतरीन टाइम पीने का है वो आपने इसको डेली सुबह निहार मुंह खाली पेट ही इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये ज्यादा फायदा देगा, ज्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी कि कैसे वजन को कम करने के लिए आपने सौंफ को इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप सौंफ को इस्तेमाल कर सकते हैं वजन को कम करने के लिए। आगे दोस्तों, जिन लोगों का हाजमा कमजोर है, जो लोग खाते हैं हजम नहीं कर पाते, कब्ज हो जाती है, गैस हो जाती है, मैदे का अल्सर, मैदा कमजोर हो जाता है, मैदा ठीक नहीं रहता, मैदे के अंदर दर्द होती है, वो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ उनके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हाजमा ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, हर खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें और साथ में गर्म पानी पी लें। अगर आप ऐसा करेंगे हर खाने के बाद, आपको मैं गारंटी से लिख कर दे देता हूं कि आपको कभी भी हाजमे का मसला नहीं बनेगा। जिन लोगों को कब्ज हो जाती है, जिन लोगों को इनडाइजेशन हो जाती है, हाजमा ठीक नहीं रहता, जो खाते हैं हजम नहीं हो पाता, ये थे दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे खाली पेट और सौंफ के जो कुछ फायदे, मेन फायदे जो मैंने आज आपसे शेयर किए हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक तो करें ज़रूर यार, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देखते क्या है वीडियो के नीचे होगा रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दबाएं और साथ में घंटी को दबाएं ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। मिलेंगे कल की वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज।